हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृति किचन। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हमने क्या बनाया है। आज हमने गुजिया बनाई है। त्योहारों का सीजन चल रहा है तो हमने मावा का गुजिया बनाया है। ये गुजिया बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। और ये गुजिया में जो मैंने स्टफिंग भरी है अंदर मावे वाली, ये मावा भी मेरा घर का बना हुआ है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। और मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए, फुल वीडियो देखिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हम मावा की गुजिया बना रहे हैं। तो ये जो गुजिया बना रहे हैं, इनकी सबसे पहले हम स्टफिंग रेडी कर रहे हैं। तो स्टफिंग रेडी करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ, ये देखते रहिए। तो ये जो मैंने मावा लिया है, ये लगभग 300 ग्राम मावा होगा। तो ये देखिए आप। और ये मैंने एक कटोरी रबर लिया है, रबर मैंने पतला वाला लिया है। और ये एक कटोरी मैंने शक्कर ली है। फ्रेंड्स ये जो मावा है, ये मावा मेरा घर का बनाया हुआ है, जिसकी वीडियो मैंने आपको बनाकर डाली है, बताई है वीडियो, जिसकी रेसिपी बताई है। और अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आगे हमें क्या प्रोसेस करना है आप देखते रहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने एक पैन ले लिया है, पैन को हमने गैस पर रख दिया है गर्म करने के लिए। और इसमें हम 1 टीस्पून घी डालेंगे। और फिर इसमें जो हमने एक कटोरी रवा लिया था, थोड़ा घी मेल्ट हो जाने देते हैं, वो रवा डाल के हम इसको अच्छे से सेंक लेते हैं। तो ये घी मेल्ट होने वाला है। ये देखिए घी मेल्ट हो चुका है। ये जो रवा लिया था हमने, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको हम स्लो ही गैस पर इसको सेकेंगे। तो इसको हम स्लो फ्लेम पर लगभग जब तक सेकेंगे जब तक ये अच्छे से रेड ना हो जाए। ये रेड हो जाएगा हमारा रवा, उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और आगे आप प्रोसेस देखते रहिए कंटिन्यू, हमें क्या करना है और आगे। तो ये फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, ये हमारा रवा सिककर रेड हो गया है, ये इस टाइप से हो गया है, रेडनेस आ गई है इसमें। तो अब हम आगे प्रोसेस करते हैं कि हम स्टफिंग कैसे रेडी करना है गुजिया में भरने के लिए। देखते रहिए आप कंटिन्यू, हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और हम आगे अब क्या कर रहे हैं वो ये देखिए फ्रेंड्स। हमने अब दूसरा पैन गैस पर रख लिया है कढ़ाई। अब इसमें हमें क्या करना है, हमने ये जो मावा ली थी ये हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें दूसरी प्रोसेस क्या करना है कि हमने कढ़ाई में मावा ले लिया है और इस मावा को हम थोड़े अच्छे से गर्म कर लेते हैं। ये मावा हमारा वैसे ही घर का बना हुआ है तो ज़्यादा हमें इसको ज़्यादा रेडनेस होने तक नहीं सेकना है, हमें सिर्फ इसको गर्म करना है। तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से दबा दबा कर मैश कर लेती हूँ और इसको थोड़ी देर मिक्स करके अच्छे से इसको गर्म कर लेती हूँ। देखिए फिर आगे हमको क्या प्रोसेस करना है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हमने ये जो मावा लिया था, ये हमारा मावा अच्छे से मेल्ट हो गया है। और आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ से ये जो घी छूट रहा है, ये घी निकल रहा है हमारा मावा मावे में से। ये जो मावा है जो मेरा घर का बना हुआ है, प्योर है, एकदम से शुद्ध है बिल्कुल। देखिए कितना घी छोड़ रहा है आप। इसीलिए मैंने ये जो रवा पहले सेका था उसमें 1 टीस्पून ही घी ऐड किया था, इसलिए ही कम डाला था, क्योंकि मावा में इतना घी है कि हम उसको मिक्स करेंगे इसमें तो बहुत अच्छे से हो जाएगा घी ही घी, इसलिए मैंने पहले ज़्यादा घी नहीं डाला। ये देखिए आप इसको देख सकते हैं किनारी पे, ये कैसे घी निकल रहा है इसमें से, ये देखिए आप, ये देखिए। तो ये हमारा मावा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हमें आगे क्या करना है फ्रेंड्स, हमने जो एक कटोरी शुगर ली थी शक्कर, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मेल्ट होने तक हम इसको चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे और कंटिन्यूसली हम इसको चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं आपसे पहले ही बोल रही थी कि हमारा ये जो मावा है, ये देखिए कितना घी छोड़ रहा है। ये जो आप साइड में वाइट वाइट पानी जैसा देख रहे हैं, ये घी है हमारे मावा से निकला हुआ, क्योंकि ये घर का मावा है बना हुआ, बिल्कुल प्योर है तो घी छोड़ेगा ही। इसलिए आप जब भी इसमें रवा ऐड करें, रवा सेंकें, तो रवा में कम घी डालें, क्योंकि हमारे मावे में से घी बहुत निकलता है और हम इसमें रवा ऐड करेंगे तो ये घी उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा अच्छे से। आप देख रहे हैं, ये देखिए
ये किस टाइप से घी निकल चुका है मावे में से, ये देखिए आप। ये हमने इसमें शक्कर डाल दी थी, अभी शक्कर को अच्छे से ऐड कर लेते हैं और शक्कर मेल्ट हो जाएगी तो हम आगे की प्रोसेस करते हैं। कंटिन्यूसली आप इसको चलाते रहिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मावा हमारा, मावे में घी मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम ये जो रवा लिया था हमने एक कटोरी, वो ऐड कर लेते हैं और कंटिन्यूसली हम इसको अच्छे से चला लेंगे। इस टाइप से आप देख लीजिए, ये देखिए। ये रवा मिलाने के बाद देखिए मावे में कितने अच्छे से मिक्स हो गया है और हमारी शक्कर भी मेल्ट हो गई है। तो हमारी जो अंदर बनाने की हमने स्टफिंग रेडी की है भरने की गुजिया के अंदर, वो रेडी हो चुकी है। इसे अब हम आधा से एक घंटे ठंडा होने के लिए रखेंगे, उसे पूरे तरीके से अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी स्टफिंग जब तक ठंडी होने वाली हो रही है आधा घंटा लगभग, तो हम हमारा डो रेडी कर लेते हैं। तो हम आटा लगा लेते हैं। तो ये हमने ये देखिए मैदा ली है, ये मैंने मेजरमेंट से नाप के 2 कप मैदा ली है। 2 या 3 कप आप भी ले सकते हैं या फिर आपको जितना गुजिया बनाना है उतनी आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये मैंने मैदा ले ली है। सबसे पहले मैं मैदा में मोयन लूँगी। तो मोयन हमें घी का देना है फ्रेंड्स, तो मैं घी डाल देती हूँ। आप देखिए किस टाइप से घी डाला है मैंने, पिघला हुआ घी लिया है, मेल्ट किया हुआ ये घी डाल दिया है मैंने। तो घी किस टाइप से लेना चाहिए, जैसे कि मैंने घी डाला है इसमें आटे में, तो ये जो मैदा है हमारी इसको हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसको इसमें गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए इस टाइप से, अगर गुठलियाँ रहेंगी तो हमारी जो गुजिया है वो अच्छी नहीं बनेगी। और मोयम भी हमें इस टाइप से देना है, जैसे आपको बता रही हूँ कि मोयम थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए जिससे कि हम इस टाइप से हमारी मुट्ठी बनाएं, तो ये मुट्ठी बन जाए मोयम देने के बाद। और मोयन हमें घी का ही देना है फ्रेंड्स, ऑयल का नहीं देना है, आप याद रखिए। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से इसको ऐसे हाथ से ऐसे कर करके गुठलियाँ ना रहें, दबा दबा के अच्छे से मैदे को हमें इस टाइप से मिक्स करना है, घी पूरे अच्छे तरीके से इस मैदे में मिक्स हो जाए। तो ये इस टाइप से आप करते रहिए, थोड़ी देर तक ही करिएगा। एकदम से हमको इसमें पानी डालकर इसमें आटा तो 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखूंगी। आप अभी देख रहे हैं कि आपको लग रहा होगा आटा किस टाइप से है अलग अलग,
लेकिन हम इसको जरा 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे तो हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो चुका होगा और बहुत अच्छा हो गया होगा। तो इसको मैं 15 मिनट के रेस्ट पर रख देती हूँ ढककर। इसके बाद ये थोड़ा ठंडा और होगा। अभी ये देखिएगा, इसको 10-15 मिनट हो गए हैं। 10-15 मिनट और जब तक हमारा आटा भी 10-15 मिनट रेस्ट पे हो जाएगा और 15-20 मिनट हमें इसके लिए और मिल जाएगा अभी रेस्ट के लिए, ठंडा करने के लिए। तो इसको हम रख देते हैं। अभी फ्रेंड्स इसमें कुछ और मिलाने के लिए रह गया है, तो इसमें मैं कुछ अभी ड्राई फ्रूट्स मिला रही हूँ। कुछ टाइम से मिलाना मैं आपको बता देती हूँ। थे वो मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ मेरा डब्बे से, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से इसमें मिला लूँगी। इस टाइप से आपको अच्छे से इसमें मिलाना है ताकि पूरे हमारी स्टफिंग में ये ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो जाए।
मेरी पूड़ियाँ सब बेलकर रेडी हो गई हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने गुजिया मेकर ले लिया है, आपके पास भी इस टाइप का गुजिया मेकर हो तो आप भी ले लीजिएगा। और अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक पूड़ी रख देना है इस टाइप से जो मैंने बेली थी, और इसमें चारों तरफ से फ्रेंड्स पानी जरूर लगाना है। पानी लगाने का ध्यान जरूर रखिएगा, अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो हमारी गुजिया फूट जाएगी। ये इस टाइप से मैंने ले ली है। अब इसमें मैं अंदर जो मैंने स्टफिंग बनाई थी वो मैं इसमें अंदर भर लेती हूँ। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, स्टफिंग कम ही भरना है, अगर आप ज़्यादा भरेंगे तो जब पूड़ी फूलेंगी तो ये फट जाएगी, इसलिए मुझे स्टफिंग कम ही भरना है। इस टाइप से मैंने कम भर ली है और अब मैं इसको इस टाइप से दबा कर गुजिया बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी गुजिया बनकर रेडी हो गई है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी गुजिया बनी हुई है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में ये देखिए आप घी डाल दिया है। तो घी को अब हम मेल्ट होने के लिए रख देते हैं। गैस का फ्लेम अब हम ऑन कर दे रहे हैं घी डालने के बाद, और हम घी को अच्छे से गर्म होने देंगे जब तक ये गर्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इनमें हम गुजिया डालेंगे, लेकिन गुजिया डालेंगे जब ध्यान रखना है तेल घी हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए, और गुजिया को हमें एक साथ बहुत सारी डालना है। ये देखिए, ये मैंने एक साथ बहुत सारी गुजिया डालना है। आपको एक एक दो दो करके गुजिया फ्राई नहीं करना है। अगर आप एक एक दो दो गुजिया फ्राई करेंगे तो ये गुजिया अच्छे से फ्राई नहीं होगी और अजीब से बबल्स बन जाएंगे, इसलिए हमें एक साथ कढ़ाई करके जितनी हम कढ़ाई में गुजिया बन जाए उतनी हमें एक साथ डालना है। आप देख रहे हैं कि मैंने कितनी सारी एक साथ डाल दी है, और इनको इस टाइप से पलट देने हैं एक साथ डालने के बाद। और हमें गुजिया को स्लो फ्लेम कर लेना है और आराम से इनको फ्राई करते रहना है। ज़्यादा तेज हमें फ्लेम नहीं रखना है गुजिया की, और इन्हें इस टाइप से हमें पलट देना है। आप देख रहे हैं कि मैंने किस टाइप से गुजियों को पलट दिया है, और स्लो हो गई है फ्लेम, बिल्कुल धीमी आंच पर हमें गुजियों को फ्राई करना है।
फ्रेंड्स गुजिया जो है वो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही हमको तलना रहती है। एकदम से अगर आप तेज गैस पे अगर इनको तल लेंगे, फ्राई कर लेंगे, तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इसलिए एक साथ डाल के इनको इकट्ठा ही डालना है कढ़ाई भरकर, और एक इनको धीरे धीरे फ्राई करते रहना है। मैं इनको एक बार फिर से पलट देती हूँ। Give me what I need. Just give me.